नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हम योजना का लाभ देंगे। ये 16 लाख आवास का पैसा इसने मोदी जी ने भेजा था, यह पैसा यहां के गरीबों के पास जाएगा, उनका भी मकान बन जाएगा, पक्का मकान बन जाएगा सिर ढकने के लिए। किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात में, वे लोग भी प्राकृतिक आपदा से बच करके अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वह भी लाभ नहीं दिया। भाइयों बहनों, पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन उसका लाभ गरीबों को मिल सके यह काम यहां की सरकार नहीं कर पा रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहां का गरीब एक ही बात पूछता है, एक ही प्रश्न करता है। गरीब बेघर लोग यही पूछ रहे हैं कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप ला मिलिस का, ये तो प्रश्न कर रहा है यहां का गरीब। हमन ला न तो ना मिलिस, आपका मिलिस का। भाइयों बहनों, ये प्रश्न स्वाभाविक है, एक गरीब का, उसकी बेबसी का। सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है, ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा देती है। कल ही आपने देखा होगा, एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का। आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और इस सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी दो कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है, गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और इसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। अब तो यहां छत्तीसगढ़ में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, हर ओर से एक ही आवाज आ रही है। मैं कल भी छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया, एक ही आवाज हर एक जगह से, क्योंकि ये राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम समीक्षा बैठक होनी है आज, और शाम 7 बजे सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक होती हुई नजर आएगी। दीपोत्सव, आगामी त्योहारों को लेकर यह बैठक आयोजित हो रही है। कई प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक का आज आयोजन हो रहा है, काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। शाम 7 बजे इस बैठक का आयोजन होगा, और आगामी त्योहारों को देखते हुए इस बैठक का आयोजन हो रहा है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस अहम बैठक का आयोजन हो रहा है। शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी ये समीक्षा बैठक।
और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त का भारत ने टॉस जीता है। इस वक्त की अहम जानकारी, भारत ने पहले बैटिंग का फैसला लिया है। तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज का मैच खेला जाएगा और भारत ने टॉस फिलहाल के लिए जीत लिया है और बल्लेबाजी का फैसला लिया है भारत ने। आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन में ये मैच आयोजित हो रहा है और आज के इस मैच में भारत ने टॉस जीत लिया है और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच चल रहा है, ये मैच आयोजित हो रहा है और भारत ने टॉस जीता है। वहीं टीम इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला लिया है, पहले बल्लेबाजी करेगी टीम इंडिया और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इस मैच का आयोजन हो रहा है। और अयोध्या से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आती हुई, जहां पर आज रामलला का अक्षत पूजन हो रहा है अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजन होता है जो कि आज हो रहा है और 5 लाख मंदिरों को भेजा जाएगा ये अक्षत। पूजन के बाद अक्षत को भेजा जाएगा और 50 प्रांतों से पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है, जहां आज रामलला का अक्षत पूजन हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजन होता है, 5 लाख मंदिरों को ये अक्षत भी भेजे जाएंगे। तो 5 लाख मंदिरों को ये अक्षत भेजे जाएंगे, रामलला का अक्षत अभिषेक हो रहा है आज। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। तो बीएस लाठी, रामलला का आज अक्षत पूजन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले और 5 लाख मंदिरों को अक्षत भेजे जाएंगे, किस तरह की हलचल होती हुई नजर आ रही है फिलहाल अयोध्या में इस वक्त? जो कार्यक्रम था वो 12 मिनट का था और लगभग अभी कार्यक्रम खत्म हो चुका है। यहाँ के जो 200 प्रांतों के लोग आए थे जिसको कलश और अक्षत पूजन दिया गया है वो यहाँ से जा चुके हैं, उनको रवाना किया गया है। युवा वो सबसे पहले राम जन्मभूमि कलश लाया गया था और भगवान रामलला के दरबार में रखा गया था, उसकी पूजा और अर्चन की गई थी रामलला के दरबार में। और वहां करने के बाद में फिर जो 200 टोलियां आई थी भाई, 200 टोलियां आई थी और हमारे साथ जो सचिव हैं, विश्व प्रत्यक्ष मीडिया सचिव हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कार्यक्रम है और क्या जो कार्यक्रम है क्या कुल आज कार्यक्रम था बताएं। फिर श्री राम पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उससे जो है राममय हो, घर घर में पूजित हो भगवान राम, ऐसा प्रयास तीर्थ ट्रस्ट की तरफ किया गया। आज 45 प्रांतों से यहाँ पर लोग आए थे, उनको अक्षत पूजित करके किया गया है और ये अक्षत जो है वो अपने प्रांतों में ले जाएंगे। प्रांतों में ले जाने के उपरांत जहाँ वहाँ ग्रामों में वितरण होगा, शहरों में वितरण होगा, मोहल्लों में वितरण होगा, घर घर जो है वितरण करने की योजना है। ऐसे लगभग करोड़ों लोग जो है इस अक्षत को प्राप्त करेंगे और अपने 22 जनवरी के कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे वहां पर। और उस कार्यक्रम में जब वो सम्मिलित होंगे तो एक राममय वातावरण हो जाएगा, संपूर्ण देश जिस प्रकार से उत्सव मनाएगा वह देखने योग्य होगा। मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में जब रामलला का दर्शन को प्राप्त करेंगे तो एक व्यापक संदेश समाज को जाएगा किस प्रकार से भगवान रामलला जो है समन्वय का उदाहरण दे रहे थे और उसी प्रकार से उनके भक्तों ने भी इसे अपनाया। मनीष साहब देख रहे थे, ये सरस शर्मा थे, विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी थे, जो पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है उन रेखा जो तैयार रही है उनको कब से ये लगे थे और क्या होने वाला है। लगभग 5 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा, 5 लाख मंदिर को भी जोड़ा जाएगा और उसमें गली गली मोहल्ले में सनातन के पहले परंपरा थी हल्दी और अच्छा लोगों को दिए जाते थे। तो भगवान के निमंत्रण में जिसमें सनातन धर्म का पालन करते हुए जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे लद्दाख के हों, चाहे केरल के हों, ये अलग अलग राज्य जितने राज्यों से हैं वो आए हैं और उनको कलश और अक्षत दे करके उनको उनकी गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। जी मनीषा बिल्कुल भी एस लाठी, तो अयोध्या में इस वक्त काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है, आज अक्षत पूजन हो रहा है और जोरों शोरों से दीपोत्सव की तैयारियां भी चल रही है अयोध्या में इस वक्त। जी बिल्कुल मनीषा, अगर बात की जाए तो इसके साथ जो दीपोत्सव आने वाला है 11 तारीख को दीपोत्सव होगा और ऐसा कुछ खूबसूरत जन की तरह सजाया और हमारा जा रहा है, चाहे वो दीपोत्सव जैसे भगवान राम जब लंका आए थे जीत करके अयोध्या, उसी तरीके से उसी के बाद दीपावली मनाई जाती है। तो अयोध्या की जो दीपावली होती है अगले दिन बिल्कुल खास 7वां दीपोत्सव है, दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या की दीपोत्सव होती है जो देश विदेश में
दीपोत्सव जाना जाता है, योगी कार्यकाल का सातवां दीपोत्सव है। 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है और पूरे देश के लोगों से भी अपेक्षा की, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे यहाँ के सांसद हो या सरकार हो, उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो सहभागिता में शामिल होना चाहें और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की जो दीपोत्सव है उसमें लोग शामिल होंगे और अयोध्या के दीपोत्सव इसी तरह से सजाया संवारा जा रहा है, अयोध्या से जुड़े की तरह पेंटिंग हो जाए, राम जन्मभूमि पाठशाला हो। मेरे जस्ट पीछे मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मिलता है, जस्ट पीछे राम जन्मभूमि है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चाहे लाइटिंग हो चाहे रोड की व्यवस्था हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं चक्का चौबन की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और दीपोत्सव को लेकर। आने वाले 11 तारीख को अयोध्या की जो दीपोत्सव है 11 लाख दिए जलाए जाएंगे जो अपने आप में एक मान स्थापित करेगा। जी वही बिल्कुल बी एस लाठी, तो जिस तरह से दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए भी काफी ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा आज अक्षत पूजन हुआ था और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री रामलला की, तो उससे पहले और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं और कौन कौन सी भव्य दिव्य पूजा होती हुई नजर आएंगी राम मंदिर में इस वक्त? देखिए ये अभी जो आज प्राण प्रतिष्ठा के पहले आज जो सनातन धर्म पहले से हमारे आपके ठीक है बिल्कुल बी एस लाठी, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी में आरोपियों और बदमाशों के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई की हर राज्य में प्रशंसा हो रही है, और अब प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र में एक ऑडियो और वीडियो भी सामने आया है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर ने पैसे की डिमांड पूरी न होने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी से मिलकर एक रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलवा दिया। और इस ऑडियो और वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन और पीडीए के अधिकारियों ने भी जांच बिठाई। उनका कहना है कि नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कहां से और किसकी तरफ से चूक हुई है। दरअसल इस रेस्टोरेंट की वजह से सड़क पर लगातार जाम लग रहा था, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी कैंट थाने में दी गई थी। फिलहाल पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है। सर, पीडीए के अधिकारी सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। उनके अधिकारी को पता नहीं है कि उनका जो जेई है वो क्यों गया, क्यों करके आया। जोनल, वो जेई साहब कहते हैं कि जोनल साहब उनसे बोले थे, जोनल साहब कह रहे हैं मैंने वहाँ इनको भेजा था सिर्फ देखने के लिए, ये गिरवा के चले आए, इनकी कार्यवाही है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, ये स्वतः एक संज्ञान ले सकते हैं अगर कुछ भी होता है। ये वो तो आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करी, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि SHO साहब और जोनल साहब ने मुझे कहा था वहाँ जाके ये चीज़ें करिए, उनके ऊपर दबाव था। SHO साहब को परेशानी, सर हमें तो कोई नहीं थी उनसे, लेकिन हाँ वो सिर्फ पैसे की डिमांड करने लगे थे बहुत ज्यादा ही, मतलब कुछ भी हो रहा था। अब यहाँ पे अगल बगल आप चले, 3 रेस्टोरेंट चलते हैं, मेरा अकेले का नहीं है, कोई एक अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो मेरे पास आते थे कि लाओ मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने खुल के मुझसे कहा कि मेरा इतना पैसा उधार पड़ा है, उसमें से 50% आप पैसा पेमेंट कर दीजिए। क्या आपने कोई पैसा बांधा था? वो महीने का हमसे लेके आते थे कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ये करते हैं, 21,000 रुपये उनका महीने का था कि हमको आप दीजिए, नहीं तो फिर आप अपना चलिए, आपका रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं चल नहीं पाएगा, ये वो। और हम पैसा लगा के मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था। जी जी हाँ, वो एप्लीकेशन इसी की थी कि जो ये यहाँ पे मतलब कि ट्रैफिक पड़ जाता था, जाम लग जाता था, आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, समस्याएं थी, तो वो पर्सनली वो मेरे ऊपर लेके चल रहे थे कि आप ही के रेस्टोरेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, ये कैंट थाने के हैं, हुकुमपाल सिंह। तो इंस्पेक्टर पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो सैयद, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक अलग तरह का स्कैम ये सामने आया है, किस तरह की जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? जी मनीष, जैसे बीते दिन कल 2 ऑडियो और वीडियो वायरल हुए जिसमें एक यानी जो पुलिस हवलदार था वो साफ बात कर रहा था पैसे की लेन देन की रेस्टोरेंट मालिक से, और दूसरे वीडियो जो था वो पीडीए के जेई का था जिसमें वो कह रहा था कि जोनल अधिकारी ने उससे कहा है कार्रवाई करने के लिए और जोनल अधिकारी कह रहा था उनकी कार्रवाई। कहीं ना कहीं दोनों स्पष्ट नहीं थे ये ऑडियो, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने इस पर मदद की गुहार लगाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद हमने जब रेस्टोरेंट मालिक से बात करी तो उसने कहा कि हमसे पैसे मांगे जाते थे कैंट SHO के द्वारा, जिसके पैसे ज्यादा डिमांड बढ़ी, जिसके बाद हम नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई उनकी साठगांठ से हुई। मगर इस मामले में एक नया मोड़ भी अभी आया है
इसमें रेस्टोरेंट मालिक समेत दो पत्रकार व दो अन्य लोगों पर एफआईआर कैंट थाने में दर्ज हुई है। जो रेस्टोरेंट की लैंड की मालिक है मंजू चंद्रा, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उनका कहना है कि उनकी चाय की दुकान खोलने के लिए दी थी, यहाँ पर रेस्टोरेंट बना लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पीडीए में शिकायत करी और ये कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई होने के बाद जब यहाँ पर ध्वस्तीकरण हो गया है तो कुछ पत्रकार और रेस्टोरेंट के मालिक उनके घर गए थे और उनको धमकाया है। और साथ ही इस मामले को लेकर कैंट में 5 लोग पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नेशनल चैनल के भी पत्रकार शामिल है। मगर सबसे बड़ी बात ये भी सामने खड़ी हो रही है कि जिस तरह से जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि पैसे की बात हो रही है लेन देन की, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ऑडियो वीडियो में कितनी सत्यता है और कार्रवाई कितनी उचित है। जी बिल्कुल आमिर, ठीक है। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन चुका है और जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की गई है वो अब सवालों के निशाने में है। इंस्पेक्टर पर पैसे लेने के आरोप भी लगे हैं और फिलहाल रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता तो वो आत्मा और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। माफिया अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्की गई और पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने कुर्की के इस आदेश को पारित करते हुए कहा कि अतीक अहमद की कुर्क की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद ने 14 लोगों को धमाका कर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी और इसके बाद उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई भी अब की जाएगी। हुबलाल एक राजमिस्त्री का काम करता है जो संज्ञान में आया है। पुलिस ने जो जांच की है, 14 की कार्रवाई जो की गई है वो अतीक का गैंग है जिसमें 3 और सदस्य हैं, जिनके द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं। उसी के क्रम में हुबलाल की संपत्ति ये पाई गई है, जिसके तहत आज कमिश्नर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई, 14 में जब्ती की कार्रवाई की गई है। देखिए, आज जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12,82,00,000 रुपए है। ये जो हुबलाल है, इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। ये जो रजिस्ट्रियाँ और बेनामी हुए थे वर्ष 2015 में हुए थे। उस समय इसकी कीमत जो बेनामी की थी वो 1,84,00,000 रुपये थी। उत्तर प्रदेश में टमाटर के बाद अब प्याज की कीमत भी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है और आमतौर से बाजार में प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस महंगे प्याज पर लगाम लगाने के लिए आज जिला प्रशासन ने लखनऊ में 20 स्थानों पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज के स्टॉल लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में टमाटर के बाद अब प्याज की महंगाई बढ़ चुकी है, आम लोग परेशान हैं। ऐसे में लखनऊ प्रशासन अब लखनऊ में 20 जगहों पर कम रेट में प्याज बेचा जा रहा है और हम इस वक्त हजरतगंज क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर तमाम लोग प्याज लेने के लिए यहां पर आए हैं। 25 रुपये पर किलो के हिसाब से प्याज दिया जा रहा है। हालांकि अगर दुकानों की बात करें तो काफ़ी महंगा है, 50 से 60 से 70 रुपये पर केजी प्याज दुकानों पर आमतौर से मिल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? रतन कुमार गुलाटी। आज यहाँ प्याज लेने आए हैं, और बाहर क्या रेट है और यहाँ क्या रेट मिल रहा है? यहाँ 25 रुपए का किलो मिल रहा है, बाहर 70 रुपए 60 रुपए। तो ये टमाटर के बाद जो प्याज की महंगाई बढ़ी, क्या लगता है कि किस तरीके से? जमाखोरी है व्यापारियों की, तभी इतना है, इस वजह से महंगा है। लेकिन आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्याज मार्केट में 80 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ 25 रुपए किलो मिल रही है सरकार की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ राहत की सांस मिली? राहत की सांस मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। टमाटर के बाद प्याज के दाम बढ़ गए हैं? प्याज टमाटर के भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 20 रुपए किलो था 50 रुपए किलो हो गया। तो क्या लगता है किस वजह से बढ़ रही, मौसम की वजह से या फिर? अब ये तो मालूम नहीं, उसके बारे में नहीं बता सकता। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? शिवाकांत मिश्रा। मिश्रा जी, ये प्याज के दाम बढ़ लगातार बढ़ रहे हैं, पहले टमाटर के दाम बढ़े, अब प्याज के भी बढ़ गए? टमाटर तो मौसम के मार से चला गया, लेकिन प्याज जो है व्यापारियों के जमाखोरी से रुका हुआ है।
बाहर क्या रेट मिल रहा है? बाहर तो 70 रुपया 80 रुपया जिसको जैसा पावे कबाड़ी लोग वैसे दे। इतना महंगा प्याज हो? इतना महंगा प्याज है। तो आज यहाँ पर कुछ प्याज मिल रहा है आपको? हमें प्याज 25 रुपया किलो सुना है तो हम भी दौड़े आए, सुना तो हम भी दौड़े आए कि ले ले प्याज। शुक्रिया। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा मतलब कमीशन को जो जो व्यापारी हैं वो जमा कर लिए हैं और सीधे इस टमाटर के बाद जब प्याज के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त जो बोझ मिल रहा है और खासकर ऐसे में जब त्योहार का समय हो उस समय अगर महंगाई बढ़ती है प्याज टमाटर या फिर अन्य चीजों पर तो कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। लखनऊ में एक पति ने की पत्नी की हत्या, बच्चों के बयान पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, आए दिन झगड़े करने के लगाया आरोप। मैनपुरी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल, तमंचे, पिस्टल भारी मात्रा में बरामद। मथुरा में संतान प्राप्ति के लिए रात्रि 12 बजे होगा शाही स्नान, देश विदेश से राधा कुंड में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, मनोकामना पूर्ति की है मान्यता। अलीगढ़ में हॉस्पिटल की लापरवाही आई है सामने, कंपाउंडर ने बच्चे को दी हैवी डोज दवाई, मासूम की हुई मौत, परिजनों ने हंगामा कर कार्रवाई की उठाई मांग। अलीगढ़ में ताले कारोबार को मिलेगी नई उड़ान, आधुनिक हथियार तैयार कर सेना को जल्द कराए जाएंगे मुहैया, नवंबर माह से होगी उत्पादन की शुरुआत। अलीगढ़ में नगर निगम से परेशान होकर लोगों ने घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, सिवर लाइन चौक होने के चलते आधा दर्जन से अधिक मकानों में पड़ी दरारें। अलीगढ़ में संदिग्ध अवस्था में मिला एक विवाहिता का शव, मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, जर्जर तार टूटने से हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। भदोही में गंगा नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, गहरे पानी से जाने से हुआ हादसा, एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर तलाश में जुटे। मैनपुरी में बिजली विभाग की लापरवाही आई है सामने, करंट की चपेट में आए 3 युवक, अचानक लाइट चालू कर देने से लैंटर डालते समय हुआ हादसा। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।